वाह वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यमी तवा चिकन, जो बनेगा बहुत ही मज़ेदार और लज़ेदार और बनेगा बहुत ही इजीली। इंग्रेडिएंट्स रहेंगे कुछ और बनेगा इतना मज़ेदार कि आप ज़रूर बनाएंगे और खाएंगे नान पराठा या रोटी के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आप नोटिफाइड रहे मेरे आने वाली वीडियोस के लिए, और ज़रूर शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आइए जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हमें चाहिए एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच हल्दी, कुछ होल गरम मसाला। गरम मसाले में लेना है हमने 2 तेज पत्ता मैंने लिए हैं, क्योंकि छोटे साइज के हैं, आप बड़ा एक भी ले सकते हैं। एक छोटी हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, एक छोटा चम्मच जीरा, एक मोटी काली इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। साथ में हमें चाहिए कुछ मसाले भी, जिसमें है लाल मिर्च पाउडर, मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जाएंगे 3 हरी मिर्च भी। 1 छोटा चम्मच है धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच रहेगा काली मिर्च का, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच चिकन मसाला, आप कोई भी अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कुछ पत्ते धनिया पत्ता कटा हुआ और 3 हरी मिर्च। साथ ही में हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है चिकन, वो लिया है मैंने 1 बाउल के करीब, ये है तकरीबन 300 ग्राम बोनलेस है, थाइस के पीसेज हैं जो सॉफ्ट रहते हैं, आप दूसरे भी ले सकते हैं। 1 कटोरी है टमेटोज को मैंने प्यूरी किया है, ये आधी छोटी कटोरी है मेरी दही की। साथ में हमने लेना है तेल, आप अपने स्वाद अनुसार कोई भी तेल ले सकते हैं, मैंने लिया है सरसों का तेल, ये तकरीबन 1 कड़छी। साथ ही में लेने हैं हमने स्लाइस किए हुए 3 प्याज, मैंने मीडियम साइज़ के 3 प्याज लिए हैं, इनको मैंने स्लाइस कर लिया है। साथ में जाएगा लहसुन अदरक पेस्ट, जो जाएगा 2 चम्मच, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि चिकन को हमने करना है मैरिनेट, तो हमने 1 बाउल के अंदर निकाला अपने चिकन को। साथ ही में हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे पहले जाएगी दही, साथ में इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक पेस्ट, और जाएगा इसमें नमक, धनिया पाउडर, काली मिर्च, और हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। और हमने इसको मैरिनेट करके रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट, ताकि ये सॉफ्ट और टेंडराइज हो जाए। लीजिए, तैयार है हमारा मैरिनेट। जितनी देर हमारा ये चिकन मैरिनेट होगा, हम इसकी तैयारी करते हैं मसाले की। मैंने लिया है 1 डीप तवा, आप अपने हिसाब से कढ़ाई भी ले सकते हैं, लोहे की लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने भी लोहे की ली है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मसाला बहुत अच्छे से भूनता है। मैंने अपने खड़े मसाले, साथ में प्याज भी डाल दिया है ऑयल के अंदर, मैंने आपको बताया था मैंने 1 कड़छी ऑयल लिया है, उसमें गरम मसाले गए हैं मेरे साबुत, साथ में मैंने डाल दिया है प्याज भी। एक मेरा क्विक टिप है कि अगर आप मसाले को जल्दी भूनना चाहते हैं तो आप उसमें डाल दीजिए नमक। देखिए, मैंने नमक डाल चुकी हूँ मैं मसाले के अंदर, और विद इन 10 मिनट्स ये बहुत ही अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बस याद रखिए, इसको कभी सिम भी कर सकते हैं, तेज़ भी कर सकते हैं। नमक डालने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है। जैसे ही हमारे पार्शली प्याज हो जाएंगे, गोल्डन हो चुके हैं हमारे प्याज काफ़ी अच्छे से, तो अब हमने डाल दिया है टमाटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी के साथ इसको कम से कम 4 से 5 मिनट हम फिर भूनेंगे। जब ये टमाटर हो रहे हैं, साथ में डाल दी है मैंने हल्दी, और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। और अब हम अपने बाकी मसाले भी डाल देंगे, जैसे जाएगा इसमें गरम मसाला, साथ में मैंने डाल देना है लाल मिर्च पाउडर, और जाएगा इसमें हमारा धनिया पाउडर, साथ ही में हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च भी,
ये देखिए मैंने हरी मिर्च डाल दी, इनको आधा आधा करके डालेंगे तो फ्लेवर भी आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा इसका ग्रेवी। ये देखिए और मैंने इसे अच्छे से अब भूनना है। बाय द टाइम ये हो रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड रहें मेरे आने वाली वीडियोस के लिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखिए हमारे बहुत अच्छे से टमाटर हो गया है तो मैंने अपने चिकन को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैंने इसे अच्छे से इसके साथ ही भूनना है। देखिए हमारे टमाटर को टोटल हो गए थे 5 से 6 मिनट टमाटर को, और अब मैंने चिकन के साथ भी इसको 3 से 4 मिनट और अच्छे से भूनना है तेज सेक पे ही, मैंने सिम सेक नहीं किया है। इसको भूनते भूनते कम से कम 5 से 7 मिनट और होने के बाद हम इसको बहुत ही अच्छे से पकाएंगे। इसको पकाने के लिए हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट, ताकि मसाले में टेस्ट आ जाए चिकन का और चिकन भी सारा एब्जॉर्ब कर ले टेस्ट। देखिए मैं अभी देख रही हूँ 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा चिकन, तवा चिकन जो कि हुआ है रेडी, कितना टेस्टी लग रहा है। आप अपने ही हिसाब से इसे ड्राई भी कर सकते हैं और ज़्यादा, और इससे ज़्यादा थोड़ा सा ग्रेवी भी रख सकते हैं, हमें पसंद है ऐसा ही, तो मैंने ऐसे ही बनाया है। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।